हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ के ज्योग्राफी के बुक से, और ये पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में वीडियो होगा। और इस चैप्टर से हम लोग 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इसी चैप्टर से हमने 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले एक और वीडियो में हमने बता रखा है। अगर उसको आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पे क्लिक करके आप इसको चेकआउट कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को आप बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो पिछले विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगूर कहा जाता है। तो आपको बता दें कि काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन काली मिट्टी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर स्थित है, तो इसलिए क ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन महानदी इसका सही आंसर होगा। चार नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है, तो इसलिए झारखंड यानी ख ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पांच नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन यानी ख ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा, तो इसलिए बी ऑप्शन यानी ख ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मैग्नीज सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, तो इसलिए घ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आठ नंबर क्वेश्चन है, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है। तो भारत का लोहा जो है ये जापान को निर्यात किया जाता है, तो इसलिए ख ऑप्शन सही आंसर होगा। नौ नंबर क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी लोहा सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा लोहा भारत में कर्नाटक में उत्पादन होता है, इसलिए क ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना राजस्थान में है, तो इसलिए राजस्थान ग ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है, तो इसलिए क ऑप्शन सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई। तो भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कर्नाटक में किया गया, इसलिए क ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है। तो भारत में विद्युत की खपत सबसे अधिक उद्योग में होती है, तो इसलिए ग ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है। तो
तो भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन 3 करोड़ टन है, तो इसलिए ग ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ये 2011 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर जो हुआ था उसमें। तो ये इसका सही आंसर होगा तारापुर, क्योंकि तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो घ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत में घड़ियाल स्थापित केंद्र जो है ये मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, तो इसलिए क ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की। तो भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत विनोबा भावे ने किया था, तो इसलिए क ऑप्शन इसका सही आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थित है, तो इसलिए ग ऑप्शन यानी 18 का ग ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने पहले वीडियो में भी बता रखा है, तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझिएगा, और ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 18 है, भारत के किस राज्य में वनच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है, मतलब वन की मात्रा सबसे ज्यादा किस राज्य में है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भूभाग है, तो ये मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 51A(g) का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान की धारा 51A(g) का संबंध जो है ये वन्य जीव, किससे, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से है, तो इसका सही आंसर ग होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, तो इसलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, तो इसलिए सी ऑप्शन यानी ग ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो यह प्रजनन केंद्र भारत के उड़ीसा में मौजूद है, तो इसलिए ग ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चरागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। तो भारत में चरागाह के अंतर्गत लगभग 4% भूमि मौजूद है, तो इसलिए क ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है। तो पहाड़ों से भरी भूमि जो है भारत में ये लगभग 30% मौजूद है, तो इसलिए ग ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2001 में भारत में वन आच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था। तो यह प्रतिशत 20.60% लगभग था, तो इसलिए ये ख ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है ये तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है, तो इसलिए ये क ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो भारत में लगभग 11%
जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति के लिए किया जाता है, तो ख ऑप्शन सही आंसर होगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु ऊर्जा ये एक बार में ही खत्म हो जाते हैं, जबकि सौर ऊर्जा खत्म नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये ग ऑप्शन सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है, तो मृदा निर्माण में यानी मिट्टी के निर्माण में अपक्षय और अपरदन दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है, तो इसलिए ये ग ऑप्शन यानी दोनों सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल, मानव निर्मित बांध। तो इसका ग ऑप्शन यानी सी ऑप्शन, ग ऑप्शन जो है ये दूषित जल मछलियों के अस्तित्व को खत्म कर सकता है, इसको खतरे में डाल सकता है। वर्षा जल से मछलियां काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, और सागर जल मतलब सागर के जल में भी मछलियां मौजूद होती हैं, मानव निर्मित बांध में भी अगर जल हो, चारों तरफ से बांध हो और उसमें जल हो, तो मछलियां उसमें भी मौजूद रहती हैं। तो सही आंसर इसका होगा दूषित जल, यानी ग ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और आपको बता दें कि ऐसे ही अब ऑब्जेक्टिव का ये 30 के बाद नेक्स्ट और भी क्वेश्चन लगभग आपको इस चैप्टर से मैं 124 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और इस चैनल पे बिल्कुल आप बने रहिए। अगर आप 2021 में अपने बोर्ड लेवल की तैयारी मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।